सेकेंड, चूहों की धमा चौकड़ी। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़ा होकर बतियाने लगा। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। नाम था काली कुमार तलंकार। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां कब मौज मस्ती में निकल गई पता ही नहीं चला। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, लड़के अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। लड़कों के बीच एक लड़का कभी कभार कुछ कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। उसकी रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज़ में मज़े ले लेकर गा रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहाँ से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की दो तीन हंडिया थी जिनका मुंह कपड़े से बंद था। साथ ही एक टीन का ट्रंक भी था और थी कुछ छोटी बड़ी पोटलियाँ। लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का जिसे सब बिचकुन कहते थे, सहसा बूढ़े को देखकर जोर से कहने लगा, अरे बूढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वे सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गई। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा को जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बाबा हैरानी से बोला, श्राद्ध? किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुम्बड़े का, हरी मिर्च का। और लड़के एक सुर में बिचकुन की कविता के बोल गा उठे, हरी मिर्च और काला कुम्बड़ा जो बैठा है हो जाए खड़ा। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहाँ स्नान करने के लिए उतर पड़े। बूढ़े के वापस लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? यहाँ डिब्बे में कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। चूहे मतलब क्या है आपका? देखिए ना, चूहों ने आपकी हंडियों में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्लों से भरी हंडिया खाली है और मीठी खोई का एक दाना भी नहीं बचा है। पोटली को खोजते देख बिचकुन झट बोल उठा, और आपकी पोटली में न जाने क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए हैं। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो उनके बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे हुए थे। बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, लगता है चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। बिचकुन ने कहा कहाँ चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं, और बच्चे क्यों पीछे रहते? सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता तो वे भी चट कर जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए और भी ले आता। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़के जेब कर चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे, काश गुस्सा करते तो मज़ा आ जाता। वर्धमान स्टेशन पर उतर कर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया, तब बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, अब की बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे डिब्बे में ही चलना होगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे, अब की कुछ भी चूहों को खाने न देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहे की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद अब आम वाले की बारी आई। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे। लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा, बूढ़े सज्जन ने कहा। लड़कों ने पूछा, आप क्या काम करते हैं?
मैं टुल्लो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ। बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। फिर तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे? रखेंगे कैसे नहीं, हम अपने यहाँ किसी ऐरे गैरे को थोड़े ही न आने देंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद न करे तो पसंद न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर पसंद न करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, तब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। महाशय स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए आइए तिलंकार महाशय, आपके रहने का सब इंतजाम हो गया है।